सभी जेके मीडिया देखने वालों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और रात के बुलेटिन का टाइम हो चुका है। इसे आप बुलेटिन कह लीजिए, इसे आप डेली राउंडअप कह लीजिए, इसे आप कोरोना वायरस पर जो हम हर एक घंटे का अपडेट आपको दे रहे हैं वो कह लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक बार फिर से मैं फिर से आपको स्वागत कोरोना करता वायरस हूं को और लेकर एक और अपडेट देने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा सभी लोग जो हैं लाइव आ जाएं, उसके बाद ही मैं शुरू करूँगा आज की जो ताज़ा खबर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और आप लोग अपनी तरफ से कोई भी राय, कोई भी कमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। फिलहाल इससे पहले जब तक मैं अपने हाथों को सैनिटाइज कर लूँ, तब तक आज सुबह से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह से बारिश चल रही है और सुबह से काफ़ी तेज़ बारिश है जिसकी वजह से काफ़ी जगहों पर आज पानी भी इकट्ठा हो गया। और लोगों ने काफ़ी अपील भी की कि भाई आप लोग जो लोग म्यूनसिपैलिटी के वहाँ पर हैं काम करने वाले, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ पर पहुँचना चाहिए था। और जिसके लिए लगातार उन्होंने अपील भी करते रहे और हमने भी अपील की कि लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर पहुँचना चाहिए, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो अभी तक का अपडेट है, आज दिन का जो शुरुआत से लेकर दिन का अंत अच्छा नहीं हुआ। जहाँ पर दिन के शुरुआत में 4 केसेस कश्मीर में आए थे कोरोना वायरस पॉजिटिव के, और कल जम्मू के अंदर एक राजौरी का केस आया था, और कल 2 बच्चों को भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आया था। वहीं अभी दिन के बिल्कुल अंत में 2 केसेस राजौरी से और पॉजिटिव आए हैं, जो मैं आपको पूरी तफसील से खबर देने जा रहा हूं। ये खबर अभी अभी रोहित कंसल द्वारा अपडेट की गई है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि एज वी एंड द डे 2 मोर पॉजिटिव केसेस कन्फर्म्ड बोथ फ्रॉम राजौरी डिस्ट्रिक्ट। वन अ फैमिली मेम्बर ऑफ यस्टरडेज कन्फर्म्ड केस, द अदर हैज़ ए कंटैक्ट हिस्ट्री विद ए कन्फर्म्ड नाउ डिसीज्ड केस। यानी कि जो 2 राजौरी के केसेस अभी अभी पॉजिटिव आए हैं, वो दोनों केसेस जो हैं वो लोग हैं जिनमें से एक शख्स जो कल राजौरी मंजाकोट का पॉजिटिव आया है उनके ही घर का फैमिली मेम्बर है जो एक और पॉजिटिव आया है, और दूसरा है वो शख्स जो कि उस आदमी के साथ कांटेक्ट में आया था जो कि एक दिन पहले जिसकी कश्मीर में मृत्यु हो गई। तो फिलहाल ये अच्छी खबर नहीं है, 2 लोगों का राजौरी के अंदर फिर और कोरोना वायरस का पॉजिटिव आना। और अब अगर बात करें तो टोटल कुल मिला के जो केसेस हैं वो 19 के करीब हो चुके हैं। सुबह 17 केसेस थे दोपहर तक, और उसके बाद 2 केसेस और बढ़ गए हैं और अब 19 केसेस हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी तक का जो मेडिकल बुलेटिन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर राजौरी के इस केस के ऊपर बात करेंगे। अभी तक का जो मेडिकल बुलेटिन है उसके अंदर टोटल ऑब्जर्वेशन में 5763 लोगों को रखा गया है, 5763 लोगों को, और होम क्वारंटाइन में 3136 लोगों को रखा गया है, हॉस्पिटल क्वारंटाइन में 169, सर्विलेंस जिन लोगों का कंप्लीट हुआ है वो है 581, और होम सर्विलेंस पे जिनको रखा हुआ है वो है 1877, और जिनके सैंपल्स लिए गए हैं वो हैं 423, और जो सैंपल्स नेगेटिव आए हैं वो है 400, और जितने पॉजिटिव आए हैं वो हैं अब के ये 2 मिलाकर 19। और एक और हैं वो भी अभी, उनको भी होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है, तो आप 20 कह सकते हैं, लेकिन एक्टिव 19 हैं। और अभी तक रिपोर्ट्स जो आने वाली हैं वो हैं 5, और एक केस उसमें से रिकवर हुआ है, और एक अभी तक डेथ रिपोर्ट हुई है। तो ये अभी तक की पूरी डिटेल है, जिसमें से राजौरी के अंदर 2 केसेस और अभी आए हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव। ये एक दुखद समाचार है राजौरी के लिए, क्योंकि जिस जगह से ये केसेस आ रहे हैं वहीं पर जो कल एक मंजाकोट राजौरी से एक रिटायर्ड डॉक्टर जो कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए थे, उनके साथ उनके कहने मुताबिक, उनके बताने के बाद लगभग 29 के करीब लोगों को जो है सर्विलेंस पे रखा हुआ है, और 29 लोगों को जो है
फिलहाल उनके सभी के टेस्ट लिए गए हैं जिनमें से एक पॉजिटिव आया है। भगवान तो करे कि बाकी लोगों का ना इस तरह की खबर आए, पॉजिटिव ना आए, लेकिन ये एक दुखद समाचार है कि राजौरी से दो और केसेस का पॉजिटिव आना। क्योंकि अगर आप लोग अपनी हिस्ट्री नहीं बताएंगे तो इसी तरह की खबरें आएंगी। अगर आप लोग खुद ब खुद बता देंगे कि आप बाहर से होके आए हैं या फिर आप उन लोगों से मिले हैं जिनकी बाहर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप लोग अपना भी बचाव कर रहे हैं और अपने लोगों का भी बचाव कर रहे हैं। आपके मैं कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगा। जम्मू में कितने हैं, मनीष गंडोत्रा जी पूछ रहे हैं। तो जम्मू में आज के ये दो मिलाकर और कल एक केस और एक और केस, तो अभी टोटल चार एक्टिव केस हैं। दो का ट्रीटमेंट हो चुका है लेकिन अभी उनको क्वारंटाइन में रखा हुआ है, तो चार अभी तक एक्टिव केसेस हैं जम्मू में। और टोटल कुल मिला के अगर बात की जाए तो 19 टोटल केसेस हैं। नरेश कुमार जी पूछ रहे हैं राजौरी कहाँ से हैं जी। तो जनाब राजौरी से ही हैं। अब कहाँ से हैं, कौन से मोहल्ले, कौन से गली, कौन से वार्ड से हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकता। इतना ही काफ़ी है कि राजौरी से हैं। बिल्कुल वेरी सैड, ये एक दुखद समाचार है। वरिंदर मन्हास जी बोल रहे हैं 19 से 1900 तक जा सकते हैं। तो वरिंदर जी, पहले तो ऐसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, और 1900 से 1900 तक तभी पहुंच सकते हैं जब ये लोग जो हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताएंगे। जब आप ट्रैवल हिस्ट्री बताएंगे तभी हम लोग जो हैं इन चीज़ों को रोक सकते हैं, तभी हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं, वरना आप चेन का खुद हिस्सा बन रहे हैं। एवरीवन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इशू, प्लीज़ टेक इट लाइटली, प्लीज़ प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली, स्टे होम स्टे सेफ। आरुषि महाजन जी कह रहे हैं बिल्कुल इसे लाइटली ना लें, अपने घर में रहें और सेफ रहेंगे। अश्वनी भारद्वाज, अखनूर वाली साइड से भी क्या मैंने सुना है? आपने बिल्कुल गलत सुना है अश्वनी जी, और इसको जहाँ से सुना है वहीं पे ख़त्म कर दीजिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा। अखनूर से कोई नहीं है। रजत सिंह, 12 AM एंड स्टिल गिविंग हेल्पफुल न्यूज़, जर्नलिज्म डिफाइनिंग रिपोर्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजत जी, हम आपको इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। 12 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुँचाते रहेंगे। राजौरी से कौन सी जगह से हैं सर? सर राजौरी से ही हैं। वेरी बैड न्यूज़, बिल्कुल ये अच्छी खबर नहीं है। और अगर आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री अपनी छुपाते रहेंगे तो इस तरह की खबरें बार बार आती रहेंगी, तो कृपया करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं। माँ चंडी ब्लेस यू, थैंक यू अंकुश लंगर जी, आपको भी और आपके पूरे परिवार को और पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को माता चंडी जो है बचा के रखे। इंजीनियर मुबारक चौधरी, हाउ लॉन्ग विल द इंटरनेट रन सर 4G? जी लगातार अपील हमारी तरफ से जारी है और मैं अपील करता रहूँगा, और डेली हम 4G के ऊपर बात करते हैं। आज के इस वीडियो के अंत में भी मैं करूँगा। यू आर अपडेटिंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच। प्लीज़ भाई EMI भी आगे करवा दो। गौरव जी, आगे करवाने की बात नहीं है, ये तो सरकार को खुद सोचना चाहिए कि ये ज़रूरी भी है। जो लोगों की EMIs हैं इस टाइम वो नहीं भर सकते, तो उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ सोच ही रही होगी। राजौरी में कितने हुए हैं? तो राजौरी के अंदर कल का एक और आज के दो, टोटल मिला के 3 हो गए हैं। संजीव कुमार, सर आई थिंक थर्ड स्टेज हैज स्टार्टेड, सम सिली पीपल हाइडिंग ट्रैवल हिस्ट्री। देखिए थर्ड स्टेज स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ट्रैवल हिस्ट्री मत छुपाएं। रियासी का क्या क्या अपडेट है? रियासी में कोई भी पॉजिटिव नहीं है। आशुतोष महाजन, अभी कोई राजौरी से आया है क्या? बिल्कुल आशुतोष जी, दो लोग राजौरी से अभी पॉजिटिव आया है। श्रीनगर में कितने हैं? तो श्रीनगर में आप लगभग 14 के करीब जो हैं, श्रीनगर में भी एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं लगभग। इसके अलावा अगर किसी को कोई इम्पोर्टेंट चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल बाकी सब लोग वही बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। पूरे जम्मू कश्मीर में कितने केसेस हैं? टोटल अभी तक जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो 19 केसेस हैं। सरवाल वालों का क्या हुआ? सरवाल वालों का कुछ नहीं हुआ, सरवाल वाले सब ठीक हैं, और जहाँ जहाँ पर जिन जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखना होता है उनको रखा हुआ है। पल्लवी संगोत्रा जी, थैंक यू फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड अपडेटिंग, थैंक यू सो मच पल्लवी जी। आप इसी तरह से JK मीडिया को लाइक करते रहें।
रोशन अत्री जी, हाउ यू कैन डू वर्क इन होल डे एंड लेट नाइट? रोशन अत्री जी, ये तो राज की बात है, लेकिन आप भी अगर मेहनत से काम करेंगे तो आपको भी दिन और रात का पता नहीं चलेगा। पूजा शर्मा, माता रानी रानी सब पर, हाँ बिल्कुल पूजा जी, माता रानी सब पर कृपया बना के रखें। विकास महाजन, आने अगले 7 दिन डेंजरस होंगे। बिल्कुल डेंजरस हो सकते हैं विकास जी, और सबको इसीलिए आप भी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कोशिश करें सभी लोगों को ये बोलने का कि आप लोग घर पे बैठे रहें। अनु बाली जी हैं, ब्रेक द चेन ओनली सोल्यूशन। बिल्कुल अनु जी, ब्रेक द चेन ओनली सोल्यूशन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अनु बाली जी एक कॉरपोरेटर हैं, रिहाड़ी से हैं, और मैं कहूँगा अनु बाली जी, आप अपने मोहल्ले में जिस तरह से काम कर रही हैं इसी तरह से काम करते रहिए। और रिहाड़ी के अंदर एक कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि बच्चे मोहल्लों में खेल रहे होते हैं, तो बच्चों अपने घर में रहिए। और परिवारों से ये गुजारिश है कि बच्चों को अपने घर में ही रखिए। घर में तंग करेंगे, शोर करेंगे, उसको सहन कर लीजिएगा, बाहर कोरोना वायरस हो सकता है। वरुण रंधावा, भाई साहब मैंने कल भी बोला था कि गरीब लोगों के बारे में सोचो जिनके पास इस टाइम खाने को कुछ नहीं है। बिल्कुल वरुण जी, मैं लगातार बार बार इस बारे में बोल रहा हूँ, और मैं आप लोगों से सभी से अपील करूँगा कि आप लोग गरीब लोगों के बारे में सोचें। हो सकता है तो जितना भी अपनी तरफ से जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा रिलीफ फंड का अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है J&K बैंक का, मैं भी वो बोल दूँगा, आप अपनी सैलरी या अपने अपने जो भी सेविंग्स हैं उसमें उसको उसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कोशिश कर सकते हैं कि जितने भी लोग इस टाइम दिहाड़ीदार हैं उनको अपनी तरफ से आधा आधा किलो चावल, आधा किलो दाल और कुछ सामान राशन का ज़रूर दें ताकि उनका गुजारा हो सके। आई एम फ्रॉम रजौरी सिटी एंड सल्यूट टू योर वर्क। मानी गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना ख्याल रखें। सोनल अमन शर्मा, थैंक्स फॉर अपडेटिंग बट रियली इट्स वेरी वेरी सैड न्यूज़। बिल्कुल सोनल जी, ये एक दुखद समाचार है, रजौरी से 2 लोगों का और पॉजिटिव आना, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। करणवीर, व्हाट अबाउट डिस्ट्रिक्ट रामबन? रामबन से अभी कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। अमनदीप सिंह, वी वेट फॉर योर अपडेट्स। थैंक यू सो मच अमनदीप जी, हम आपको अपडेट इसी तरह से करते रहेंगे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उन सभी से अपील करूंगा कि आप लोग केसेस इन सांबा, सांबा में कोई भी केस नहीं है। और हमारे जो रिपोर्टर हैं सांबा और कठुआ से, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ से आपको अपडेट करते रहते हैं। मोक्ष खजूरिया, इज़ देयर एनीवन फ्रॉम सांबा डिस्ट्रिक्ट? बिल्कुल भी नहीं, सांबा से कोई भी नहीं है। शीतल आर्यन, SRTC ट्रांसपोर्ट इज स्टिल रनिंग? बिल्कुल SRTC चल रही है, लेकिन SRTC सिर्फ असेंशियल सर्विसेज के लिए है, बाकी सब लोगों के लिए नहीं, बाकी लोग अपने अपने घरों में रहें। नृत्य श्री दीपक दत्ता जी, थैंक यू सो मच दीपक जी, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, और आप खुद भी एक बड़े अच्छे इंसान हैं, और आप बड़ा एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक बड़े अच्छे जो है आपका नृत्य कला है, मैं उसको सल्यूट करता हूं। आप कोशिश करें अपने फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को इन दिनों 21 दिनों के अंदर जो लॉकडाउन है उसके अंदर लोगों को टिप्स दें नृत्य कला के लिए, और लोग जो हैं नृत्य कला को और सीखें आपसे टिप्स लेके। टोटल केसेस इन जम्मू, जम्मू के अंदर आज के 2 केसेस को मिला के अब तक टोटल 4 केसेस हैं एक्टिव। व्हाट अबाउट जानीपुर साइड? जानीपुर साइड में सब ठीक है, 1-2 लोगों की रिपोर्ट आई थी, उनको क्वारंटाइन में रखा गया है। अगर किसी का कोई और इम्पॉर्टेंट सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लास्ट के 2-4 कमेंट्स में और लूँगा, और कई लोगों से मैं नहीं भी बात कर पाता हूँ तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सोनल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो आपका कमेंट है, जिनके लिए वो कमेंट है उन्होंने वो पढ़ लिया होगा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कहूँगा कि आपको कहीं और किसी और पोर्टल पर किसी और जगह अपडेट लेने के लिए जाना ही नहीं चाहिए। JK मीडिया अकेला ही काफ़ी है आपको पूरे जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का अपडेट देने के लिए। व्हाट अबाउट इन पुलवामा? सरताज जी, पुलवामा से अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन
एक कुछ लोगों को वहाँ पर भी क्वारंटाइन में रखा हुआ है। और मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप पुलवामा से हैं तो लोगों को अपील करें अपने अपने घरों में रहने के लिए। गौरव शर्मा जी, व्हाट अबाउट वाइन शॉप्स? गौरव शर्मा जी, वाइन शॉप्स तो अभी नहीं खुलेंगी 14 अप्रैल तक, तो फिलहाल बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था आपका, वाइन शॉप के लिए बिल्कुल अभी नहीं खुलेंगी। सुंदरबनी का कोई, बिल्कुल सुंदरबनी का कोई नहीं है। और थन्ना मंडी से कोई, जो देखिए अभी रजौरी से दो आज पॉजिटिव केस आए हैं और एक कल का पॉजिटिव केस आया हुआ है। वन केस फ्रॉम सुरन के कोर्ट आइसोलेट एट रजौरी, व्हाट हैपन टू हिम? देखिए जो रजौरी से दो केसेस हैं, इसके अलावा 29 और लोग हैं जिनको क्वारंटाइन में रखा गया है। सर, व्हाट अबाउट देयर ट्रैवल हिस्ट्री? देखिए ट्रैवल हिस्ट्री जो है, जो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि जो हमें सरकार की तरफ से कंफर्मेशन आई है उसमें दो केसेस हैं, जिसके अंदर एक उस शख्स की वजह से हुआ है जिसको कल पॉजिटिव आया था और वो उनका फैमिली मेम्बर हैं, और दूसरे हैं जो कि उनके साथ मिले थे जिनकी 2 दिन पहले कश्मीर में मृत्यु हुई है। तो ये दोनों लोगों की ट्रैवल, दोनों लोगों की जो है कोरोना वायरस के मेन सिप्ट, जो जिनकी वजह से उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। तो फिलहाल मेन यही लोग हैं जो बात कर रहे हैं और जो कमेंट्स कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने के लिए। अब आखिर में मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा आप लोगों को, मैं एक जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अकाउंट नंबर दिया गया है, मैं आपको वो ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जितना हो सके उसके अंदर, आप में जितनी यथाशक्ति हो, आप अपना अपनी तरफ से उसमें जो है योगदान कर सकते हैं, ताकि गरीब लोगों को हेल्प मिल सके, नीडी लोगों को हेल्प मिल सके। ये जम्मू कश्मीर बैंक का अकाउंट नंबर है जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सरकार ने दिया है। इसका बैंक अकाउंट, बैंक है J&K बैंक, अकाउंट नंबर है 011-001-00-00-00-16। एक बार फिर सुन लीजिए, 011-001-00-00-16। ये जम्मू कश्मीर बैंक का अकाउंट है जहाँ पर आप अपनी तरफ से जो हो सके आप अपनी हेल्प, अपनी तरफ से योगदान कर सकते हैं। IFSC कोड है JAKA0MOVING, और MICR यानी कि माइकर कोड है 19005106 2। या फिर अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट देना चाहते हैं तो J&K रिलीफ फंड के अंदर आप डाल सकते हैं। और सरकार द्वारा ये जो इस अकाउंट में जो आप अपनी तरफ से योगदान करेंगे, ये नीडी लोगों के पास जाएगा और उन लोगों को जो है हेल्प दे सकता है। कुछ और आ रहे हैं, रोहित भट्ट, वाइन शॉप टोटली बैन इन J&K। बिल्कुल रोहित भट्ट जी, ऐसा ही होना चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। एनी केस फ्रॉम नगरोटा? बिल्कुल नगरोटा से कोई केस नहीं है। नगरोटा से लगभग 32 लोगों को जो है क्वारंटाइन में रखा गया है। वो ये वो लोग हैं जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बट उन्होंने बताया नहीं था, तो पुलिस ने जो है उनको फ़िलहाल क्वारंटाइन किया गया है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आज अब तीसरा नवरात्र ख़त्म हो चुका है और अब हम आज चौथा नवरात्र है। आपको चौथे नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप इन 9 नवरात्रों में 9 फैमिलीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें अपनी तरफ से 9 फैमिलीज़ को अडॉप्ट कर लें। जो नीडी लोग हैं उनके घरों में आप सामान दे सकते हैं। अगर आप तेल देना चाहें तेल दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, या अपनी तरफ से कोई और घर का सामान उनको दे सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो डेली दिहाड़ी लगा के अपना घर का गुजारा करते हैं। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं जितनी आपकी यथाशक्ति है। इसके अलावा लोग ऑलरेडी अपनी सैलरी के, एक एक दिन की सैलरी दे रहे हैं, जिस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी के भी कुछ प्रोफेसर्स अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं। जो जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जितनी हो सक रही है वो कोशिश कर रहे हैं। और आप ये JK रिलीफ फंड है, इसके अंदर भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं जो इस टाइम मजबूर हैं, जो इस टाइम नीडी हैं, जिनको इस टाइम उनकी दिहाड़ी नहीं लग पा रही है, लोग क्योंकि घरों पर हैं। क्योंकि इस तरह का काम करके आप अपने आप को एक ऊंचे दर्जे पर भी पाएंगे और आपको खुद अच्छा भी लगेगा।
और तीसरी बात यह है कि आप लोग अपने घरों में रहें। 3 दिन लॉकडाउन के ख़त्म हो गए हैं, आज हम चौथे दिन में एंटर कर चुके हैं। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को बाहर मोहल्ले में खेलने ना दें। ये खेलने के लिए छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं, ये घर में रहने के लिए छुट्टियाँ पड़ी हैं। और घर में रहना, घर में लोग नहीं रह पाते हैं, पता नहीं क्यों लोगों को घर काटने को दौड़ता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इन 21 दिन में आप सीखिए कि लोग घर में कैसे रहते हैं। और दूसरी बात, आपको अपनी माताजी से, अपनी बहनों से और अपने घर की जितनी महिलाएं हैं उनसे सीखना चाहिए कि वो किस तरह से घर में रहती हैं। तो आपको भी पता चलेगा कि घर में रहना क्या होता है। और इसी बीच में आप इनोवेटिव आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। 2G पर जितनी आपकी वीडियोस चलती है उसको चला सकते हैं। और मैं एक बार फिर से अपील करूंगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को कि आप 4G को रिस्टोर करें, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो र्यूमर्स हैं 4G को लेकर वो ज़्यादा ना फैले। और आज भी इसी तरह का कुछ र्यूमर्स थे, तो इन र्यूमर्स से जम्मू कश्मीर थोड़ा दूर रहे। और लोगों से अपील है कि र्यूमर्स का हिस्सा मत बने। साइबर सेल बड़ा एक्टिवली इस पे काम कर रहा है, जो जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। आप लोग देखते रहें JK मीडिया, मैं आपको इसी तरह से हर खबर के साथ अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना, अपने माता पिता का, अपने परिवार का आदर सत्कार करें और भारत माँ का आदर सत्कार करें। देश के खिलाफ ना सुने और ना बोलें। और बड़ी बात तो ये है कि हमारा देश है तो हम हैं। और मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, और काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस भी की। अगर कुछ और अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फ़िलहाल इजाज़त दें, नमस्कार, शुभ रात्रि।